सर अभी आगे दो 10 साल से खैर से बचपन की क्लास में सर मेरी ब्रांच मैनेजर ही है सर फिर सर वो और सर मैं भी आगे नहीं बता सकता सर हाँ मेरे ब्रांच मैनेजर भी है मैं नाम भूल गया शाहिद खान नाम एचडीएफसी बैंक का ब्रांच मैनेजर है और आरएम प्रोफाइल पर था रिसेंटली अभी नई ब्रांच ओपन हुई और नई ब्रांच के ब्रांच मैनेजर समीर कोई नाटक नहीं चलता भाई मेरे मैनेजर ने बोला कि हंसी बैठते उन्होंने बोला कि अपने उनसे मिल के आओ तो मिल ले गया तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है तो मैंने नाम बताया बोले ठीक है यार तू वहाँ से ट्रेनिंग करके आप मुझे पता है कि ट्रेनिंग तो तेरे दिमाग में घुसेगी नहीं क्योंकि तू जियो से है पर तुझे मैं ट्रेन करूँगा आ जा तू वहाँ से मैंने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा बोले सपोर्टिंग हैंड नहीं चाहिए तो कर ले इस नाम में थोड़ी सपोर्टिंग चाहिए यार बोला मत मान शक्ल देख के मेरे को नहीं मालूम था कि सर है फिर सर हम खुद से अपना बताते हैं कि हम ये लगा के हम मुसलमान वैसे हमें कौन समझ रहा है कि हम कौन है सर आप भी हो मैं नहीं हूँ सर हाँ मैं बताता हूँ खुद से अगर मैं ऐसी एक्टिविटी करता हूँ तो बता दो वरना मैं कौन मैं तो सभी इंसान मैंने क्या बोला जो चीजें तुमको बोली ना पंक्चुअलिटी से बात जो ब्रांचेस पे काम करो प्रोडक्ट के बारे में एसपी के साथ बात करो बस इतना ही चाहिए ब्रांचेस को ब्रांच के अंदर भी स्टाफ आपको अपनी मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं आपने क्या बोला नाम सुनो मतलब ना देखो जानते हो उनको तो खाली तेरी नॉलेज मैं बोल रहा हूँ उसकी गलती नहीं है पिछले दिनों में जब न्यूज में बहुत ज्यादा नाटक चला है ना उस चक्कर में टेंशन होती है बट नहीं दूसरी न्यूज देखा राजा शर्मा को देखा मैं नहीं देखता न्यूज चैनल राजा शर्मा दो धारी तलवार है दोनों तरफ से बात करता है कब होगा जब आपको अपने प्रोडक्ट्स पता होंगे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स के सामने बेस्ट कॉम्बिनेशंस अपने पता होंगे और इस तरीके से एक्सप्लेन करना 40 लाख अभी भी दे रहे हैं 42 लाख वो अभी भी दे रहा है बट आप सातों लोग कन्विंस हो कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन इसके लिए कैसे किस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर को हिट करना है बेटी के लिए प्रोडक्ट बताया था पीछे हट गया वो नहीं निकालेंगे मार लिया ठीक है लाइफ वो प्रोडक्ट के पड़ रहा एक्सटर्नल ठीक है तो ये था मार्केट शेयर के ऊपर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सर्विसेज को 2000 में हम लोग आए थे मार्केट में 2000 से लेके 2022 हो गई आज 22 साल हो गए हैं सबसे ज़्यादा बिजनेस हमने किया है एचडीएफसी बैंक के साथ अगर टोटल बिजनेस अगर मैं बात करूँ अगर एचडीएफसी लाइफ 100 करोड़ का बिजनेस कर रही तो 60 करोड़ का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक से कर रही है तो थोड़ा सा अपर हैंड भी है उनका खुद मालूम है कि हमको उनकी ज़रूरत है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा आएंगी क्यों सर्विसेज ज़्यादा आएंगी टाटा और बिरला के साथ अभी हमारा 4th साल है अभी हमारा मतलब एचडीएफसी बैंक में आए हुए उनको 4 साल हुए किसी भी प्रोडक्ट का सरेंडर मिनिमम आता है यूलिप प्लान बेचे जाते हैं जिनका सरेंडर 5 साल में 5 साल भरो 1 साल भरो 5वें साल निकाल लेना 5 साल की एफडी कुछ भी बोल के बेचते हैं ब्याज में तो उनके नाम की सर्विसेज अभी नहीं आई है क्यों नहीं आई है क्योंकि यूलिप प्लान को 5 साल नहीं हुआ है ट्रेडिशनल तो लंबे चलेंगे इसलिए तो उनको कोई सर्विस रिलेटेड इश्यूज नहीं है हमारे साथ इश्यूज क्या होंगे 22 साल हो गए बहुत सारी पॉलिसियाँ मैच्योर होने आ गई बहुत सारी पॉलिसीज में डेथ क्लेम आ गए बहुत सारी पॉलिसीज सरेंडर के लिए आ गई तो दिखाने के लिए की रिक्वायरमेंट आएगी और ब्रांचेस में हो सकता है कि आप जिन ब्रांचेस में जाओ तो दोनों तरह के लोग मिले बहुत ज्यादा खुश लोग भी मिले जैसे भाई हमारा खुश है वैसे कुछ दुखी लोग भी मिले हटा यार लाइफ के बाद लोगों को धंधा नहीं देगा अब ये चला जाए ब्रांच में और उनकी नाराजगी भलती चीज के लिए है बोल देंगे लाइफ को धंधा नहीं देना ये अब जबरदस्ती अपने माथे ले जाए क्या बोलता है वो शाहरुख खान माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट तो ये चीज चलती रहती है इसमें कुछ नहीं है ब्रांच के साथ समझना पड़ेगा एक ब्रांच का एग्जांपल दो पूजा बिलोनिया अरे अपना अन्नपूर्णा ब्रांच में ही बनती है एलआईसी में एजेंट है उनके फादर साहब एलआईसी में एजेंट उसको भी मैंने एलआईसी के प्रोडक्ट के सामने कन्विंस करके बता दिया कि अपने एचडीएफसी के प्रोडक्ट अच्छे दूसरा जब वो ब्रांच में गई तो उस ब्रांच में उससे पहले मेल उस ब्रांच को आदत थी मेल ये गई फीमेल अब ये फीमेल्स होती हैं थोड़ी सी सॉफ्ट बात करना सेंसिटिव होती हैं वहाँ डांट पड़ रही है मेरे मैं कह रहा ट्रेनिंग देना जबरदस्ती झाड़ना मेरे को मालूम है जबरदस्ती होशियारी मारते हैं शुरू शुरू 2-3 बार बच्ची आ गई मैं बस सर समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ ब्रांच चेंज करूँ क्या करूँ
मतलब उस ब्रांच में अगर टिक गई तो तेरे को टेंशन नहीं है। तीन लोग हैं वहाँ बिजनेस करने वाले, मैंने खुद आगे रखे बताया, मैं इन तीन लोगों से बना के रहा। अब बहन बनना है, बेटी बनना है, दोस्त बनना है, ये तेरी चॉइस। एज के हिसाब से कोई एज में ज़्यादा है तो बच्ची की तरह ट्रीट करेंगे तेरे को, कोई बच्ची की तरह ट्रीट नहीं करेगा, फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करेगा। तो तेरे को वो ट्रीटमेंट समझना है। नेचर वाइज इंटेंशन वाइज वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं। कई बार फीमेल मेंबर्स को एक रहता है कि यार गलत लोग हैं, गलत सोचे वहाँ, वैसा कुछ भी नहीं है। HDFC बैंक की खासियत है यहाँ पर आपको फालतू काम करने वाला कोई भी नहीं है। तो उसको मैंने पहले तो उसके, क्योंकि इनिशियली जब जॉब करता है ना आदमी, नई ब्रांच में जा रहा है, नए माहौल में जा रहा है, तो टेंशन था। मैं समझा उसको, नहीं टेंशन मत ले, ये तीन लोगों से तो बना। आज वो तीनों लोग उसको इतनी इज्जत देते हैं और मेरे को इतना प्राउड फील होता है ना कि पूरा बिजनेस 100% मार्केट शेयर पर लेके चल रही है और वो 5 की रेटिंग पर बैठे। 6 महीने में उनका जो साइकिल था वो आ गया और अभी स्टेप अप में पार्टिसिपेट करके पॉसिबिलिटी है हम उनको प्रमोट भी कर पाते। तो इनिशियली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब चीज़ें दिमाग में मत रखना। पुराने लोगों का टेंशन हो सकता है, पुरानी सर्विस रिलेटेड इश्यूज इनको सॉल्व कर। ये थोड़ा रहता है कि नई जगह पे एकदम से जा रहे हैं तो, और एकदम से बर्डन क्या आता है, वो लाइफ का बिजनेस करना चाहते हैं, उनको लाइफ का टारगेट है करना है, आप नए प्रोसेस को समझने में शायद टाइम लगता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने में टाइम लग रहा है, तो उस समय फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, सेल्फ मोटिवेटेड होना है। मैं ट्रेनर था, मेरे लिए भी टेंशन थी नया नया, मैं साला सेल्स का आदमी, सेल्स करवा नहीं रहा, बंधन में बिठा दिया, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना। सेल्स में सब जगह चलता है, एक की दो बोली जाती है, आटे में नमक बराबर, झूठ बोला जाएगा, हमारे हाथ पैर बांध दिए, उल्टा सीधा कमिटमेंट मत कर देना, तुम्हारी 12 बजे आते हैं ब्रांच में। मैं सेल्स का आदमी, मेरे बॉस को मैं कभी बोलता था, हो जाएगा हो जाएगा, बोले तो सेल्स वाली बात मत किया था, हो जाएगा करके दे, हमारे तेरा नाम लिखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि काफी सारी जगहों पर डिफिकल्टीज आती हैं, हम अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। हाँ सर, हो जाएगा, करके देखो ना, कैसे नहीं होगा, डाउन नहीं हो जाए। मेरे को तो चाहिए प्रमोटेड, है ना, ठीक है। और कोई डाउट्स तो माइंड शेयर नहीं होने देना है। डेली बेसिस पर हडल मीटिंग्स में अपने प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ डिटेल्स बताते रहो। मान के चलो ये कॉन्फिडेंस से अगर ब्रांचेस में प्रोडक्ट बताना शुरू कर दिया ना, कंपटीशन अपने आप चुप रहेगा। और जब कंपटीशन गंदगी करेगा, गंदगी कैसे करेगा, ये 42 और 40 है ना, उल्टा हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स में अपन 42 है, वो 40 है, वो जबरदस्ती झूठ बोलेंगे कि हम 43 है, टेंशन में नहीं आ जाएगा। अरे सर वो तो बोल रहा है वो 43 लाख देगा, बोलने से मैं 50 लाख दूंगा, देोगे क्या? ब्रांच का आदमी जब मांगता है तो क्या मांगता है, चिट्ठा मांगता है, स्टेशन मांगता है। उसने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दे दे रहा है। हम तुमको अगर बोल रहे हैं कि बिरला से ज्यादा रिटर्न्स हैं, हम तुमको बोल रहे हैं अगर टाटा से ज्यादा रिटर्न्स हैं, तो हमने उसके पीछे होमवर्क करके रखा है। अब वो देता है तो दे दे, कागज पे लिख के दे, व्हाट्सएप मैसेज बना के नहीं चाहिए। व्हाट्सएप मैसेज तो मैं 1 करोड़ भी समझ के दे रहा है कि 30 साल के लिए दे रहा हूँ, एक बार दे दो। कागज पे लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन पे लिखा हुआ है, नहीं है ना, तू मेरे को सिर्फ नाम दे दे, कौन सा प्रोडक्ट हमसे ज्यादा रिटर्न दे रहा। मेरे पास इलस्ट्रेशन बनाने की एप्लीकेशन, मैं डालूंगा प्रीमियम, मैं डालूंगा एज, इलस्ट्रेशन सामने आ जाएगा, वो इलस्ट्रेशन में सामने दूंगा। तो कभी भी इस तरीके से घबराना नहीं है, क्लियर? तो मार्केट शेयर पकड़ के रखेंगे। बिल्कुल, सर्विस रिलेटेड जो चीजें आएंगी, सर्विस रिलेटेड चीजें क्या क्या आएंगी, पहली आती है सबसे ज्यादा यूलिप प्लांट्स की सरेंडर रिक्वेस्ट, नेम चेंज रिक्वेस्ट। फीमेल के नाम से कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है, शादी के बाद नाम चेंज होता है हमारे कल्चर में, तो नाम चेंज की रिक्वेस्ट आ सकती है। इसके अलावा एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट आ सकती है। कस्टमर ने यूलिप प्लान लिया हुआ है, मार्केट लिंक प्लान लिया हुआ है, तो वो फंड शीट मांगेगा आपसे कि भैया मेरे 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के सामने आज मेरी फंड वैल्यू कितनी है, मेरे को बताओ। तो वो फंड डिटेल्स मांग सकता है। स्विचिंग बोल सकता है कि यार जब मैंने प्लान लिया था तो इक्विटी एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किया था, एक प्रोडक्ट का नाम, प्लान फंड का नाम, इक्विटी एडवांटेज से उठा के डिस्कवरी में डालना है, डिस्कवरी से उठा के इक्विटी एडवांटेज में डालना, मतलब स्विचिंग करनी है, एक से उठा के दूसरे में डालना है, तो स्विचिंग की रिक्वेस्ट आ सकती है। इस तरह की रिक्वेस्ट को सॉल्व करने के लिए क्या बेस्ट वे है, आप करेंगे कि लाइफ के ऑफिस में होगा, बट आप HDFC लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जिन ब्रांचेस में आप काम कर रहे हो उन ब्रांचेस में अगर कस्टमर की कोई सर्विस रिक्वेस्ट आती है तो वो आपको प्रोसेस करनी है। अब कुछ रिक्वेस्ट आप लिफाफे में भर के साइन करवा कर अपने लाइन मैनेजर को भेजोगे, लाइन मैनेजर लाइफ ऑफिस में प्रोसेस करवाएगा, बट प्रोसेस आपको करना है, ये सब आपको करना है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए, सरेंडर के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट चाहिए मेरे को तो सरेंडर के लिए कौन से फॉर्म पे कहाँ कहाँ साइन चाहिए, उसके सेट बनाकर ब्रांच में रख दिए स्टेपल करके कि भैया ये मैंने मार्क कर दिया, यहाँ यहाँ साइन ले लेना,
आईडी कार्ड में आधार कार्ड कॉपी बैंक की कॉपी ले लेना तो इसका सरेंडर अपन करवा दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर बना के चलोगे ना कभी कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्लियर? बिल्कुल। ये वो सर्विस रिक्वेस्ट हो गई जो कस्टमर के तरफ से आपके पास आ रही है। अब इनके लिए दो तीन चीज़ें, एक हमारा ईमेल आईडी है, कस्टमर ईमेल पर रिक्वेस्ट दे सकता है। फंड फैक्ट शीट वगैरह के लिए क्या लाइफ ऑफिस जाओगे? आप कौन सी लोकेशन पे हो? रतलाम में बैठे हो, रतलाम में लाइफ ऑफिस है, ठीक है। बट किसी ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ नहीं हो तो क्या करोगे? ट्रैवल करोगे? नहीं करोगे। तो आपको कस्टमर के लिए बहुत इजी इजी मीडियम्स बताना है। दो चीज़ें याद रखो, एक हमारा मिस कॉल नंबर, एक हमारा व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर सेव करना है, रजिस्टर्ड नंबर जिसपे जो नंबर उसने हमको लाइफ ऑफिस में दी और वही नंबर पर व्हाट्सएप करना है। उस पर हाई भेजेगा, वो हाई भेजने के बाद मेनू ओपन हो जाएगा। उस मेनू में लिखा, एक काम करो, नाम नंबर नोट करो और उस पर सब जने हाई भेजो, प्रैक्टिकली हो जाएगा। सर पॉलिसी डिटेल भेज दीजिए। हां सर, अभी कौन सी पॉलिसी कुछ चल रही होगी ना, चेक कर लेना। हम भी डाउनलोड नहीं करना, हां सेव कर लेना। हां तो देखो पहले वीडियो वीडियो जा हम लोग कर भी सकते हैं। मोबाइल नंबर सेव करो, 82918 90569 हाई बेच के क्या आया? आई एम बीटी। हाँ, उसके नीचे मेनू लिखा है। सबको मेनू दिख रहा है? हाँ सर। हाँ तो बोलो। हाँ है सर। मेनू पे क्लिक करो। बाय पॉलिसी, ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट, कस्टमर सर्विस, सर्विस रिक्वेस्ट, रिसिप्ट एंड स्टेटमेंट, अप्लाई फॉर क्लेम, लोन अगेंस्ट पॉलिसी और NRI अगेंस्ट। सर लोन अगेंस्ट पॉलिसी मतलब? आप सेव करें न्यू पॉलिसी के लिए। क्या नाम? सर ने बताया क्लिक करो रिटर्न में। HDFC लाइफ का व्हाट्सएप नंबर है। लोन अगेंस्ट पॉलिसी दे। सर लोन अगेंस्ट पॉलिसी मतलब? हम पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन भी देते हैं। अच्छा हाँ, वो बात है। ठीक है, पहली चीज जो हमने खास काम की है वो तीन ऑप्शंस हैं, कस्टमर सर्विस हमारे काम का है, सर्विस रिक्वेस्ट हमारे काम की है और रिसिप्ट एंड स्टेटमेंट हमारे काम की है। तो पहला करो रिसिप्ट एंड स्टेटमेंट। सेंड किया, क्या आया? जितनी बार उसको प्रीमियम रिसिप्ट चाहिए होगी ITR फाइल करते टाइम। कस्टमर का कुछ काम किया आपने, ये ऑप्शन सिलेक्ट किए, कस्टमर अपने मोबाइल पर भी सिलेक्ट करेगा, प्रीमियम रिसिप्ट पे क्लिक करेगा, पॉलिसी का नंबर डालेगा, एक OTP आएगा, OTP डालते से PDF फॉर्मेट में उसकी पॉलिसी की प्रीमियम रिसिप्ट आ जाएगी। आपके पास कोई पॉलिसी नंबर है? पॉलिसी नंबर चाहिए मोबाइल से निकल ऐसे थोड़ी। देखो ये मैंने अभी गाड़ी फाइनेंस कर HDFC नेट मोबाइल से निकल के बता दे रहा है क्लियर कि आपकी नहीं है पॉलिसी। एक मिनट, ये आपने अपन ने किया प्रीमियम रिसिप्ट पे क्लिक किया, प्रीमियम रिसिप्ट पे क्लिक कर दिया, अभी आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। अब आपसे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है DDM में फाइल रजिस्टर्ड। अब जब आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के नाम से कोई पॉलिसी नहीं है सिस्टम तो नहीं है। सपोज किसी कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ से आ जाती है तो उसको फिर OTP आता है, OTP आने के बाद उसको अपना पॉलिसी नंबर सिलेक्ट करना है और पॉलिसी की रिसिप्ट करना है। तो मैं आपका ये काम इजी कर रहा हूं। ये प्रीमियम रिसिप्ट के लिए आपको लाइफ ऑफिस नहीं जाना है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। इसी में एक ऑप्शन था पॉलिसी डॉक्यूमेंट का, उसका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर दे पॉलिसी नंबर मांगा है। ऊपर वाला जो था जिसमें बाय पॉलिसी था, बाय पॉलिसी के बाद आपने कस्टमर सर्विस सिलेक्ट किया था, सॉरी रिसिप्ट एंड स्टेटमेंट सिलेक्ट किया था, तो रिसिप्ट और इन्वेस्टमेंट में सबसे ऊपर लिखा हुआ था पॉलिसी डॉक्यूमेंट। हां ठीक है, अरे लिखा है कि नहीं? हां सर, ये पॉलिसी सॉफ्ट कॉपी की है ना। हां सर, रिसिप्ट एंड इन्वेस्टमेंट में तो जो कस्टमर बोलते हैं भैया मेरे को पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं आया मुझे भेज दो, आप ये सिलेक्ट करोगे, सेंड करोगे, पॉलिसी नंबर डालेगा, OTP डालेगा, उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे।
मैंने अपने सीनियर्स को क्वेश्चन किया था अभी बोल रहे हैं करवा के दे दो सब सारी चीजें व्हाट्सएप पे हैं आजकल ठीक है पका इसमें और एनालिसिस कर लेंगे कर सकते हो बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल इसीलिए बताया कि थोड़ा सा आप रात में कभी चेक करते रहोगे तो आपको आ जाएगा किसी से बातचीत से बातचीत करो क्लियर है समझ में आया बिल्कुल आधी दिन से आपकी यही सॉल्व हो जाएंगी आपको अपने लाइन मैनेजर को परेशान नहीं करना है खुद परेशान नहीं होना सही है सर क्लियर और इससे बड़ा कोई टेंशन वाली बात हो तो service@hdfclife.com पर मेल कर सकते हैं सर क्या है कि जैसे रात में एक चीज पॉइंट देना पड़े संचय पार्क में जैसे वो 4 और 8 वाला नहीं रहता सर तो उसमें क्या रहता है जैसे कस्टमर ने पहले ही साल से उसे इनकम आना चालू हो गया और तीसरे साल तक उसे 4% के हिसाब से मिलता रहा मतलब 8% के हिसाब से लगभग 6% मिलता रहा उसे और चौथे साल में अगर कंपनी ड्रॉप डाउन होती है तो उसे कम मिलना तो वहाँ से कम भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्या सर यही मैं समझना चाह रहा था कि अगर कंपनी पॉलिसी खरीद ली है तो कब तक